बनाते कि अपने लड़का है तो उसका हम दहेज नहीं ले वही और कुछ नहीं, तो दहेज की प्रथा को तो एकदम हटा ही देना चाहिए। यदि गवर्नमेंट इस प्रथा को हटावेंगे, एक प्रकार से कानून बनावेंगे, तो उस कानून के बनाने से कुछ तो लाभ होगा किंतु पूरा लाभ नहीं होगा। अरे त्याग से जो फायदा होता है वो कानून से वो फायदा नहीं होता। इसलिए हर एक माता बहनों को भाइयों को सबको मन के माँ ये जोश के साथ में मन में ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम विवाह शादी के माँ दहेज तो नहीं लेंगे। आज समझो किसी 22-22 की लड़की है तो कम से कम 3-4 हजार के बिना तो उसका विवाह शादी होगा ही नहीं। और वो 100 रुपया महीने का कमा हुआ है तो 100 रुपया तो उनके खाने पीने के खर्च में ही लग जाता है, वो कैसे बेचारा काम चलाएगा। और जो ये समझो दिखावा जो दिखाया जाता है मुकलावे का, विवाह का, शादी का, वो बड़ी खतरे की चीज है। उससे देख करके प्रोत्साहन मिलता है, खर्च बढ़ता है उससे, तो ये प्रथा बिल्कुल खराब है, ये बंद होनी चाहिए। और साथ साथ के बीच के माँ समझो कि मुकलावे की और ब्याह की और हर एक शादी के माँ बहुत सा जो कपड़ा दिया जाता है यार वो कपड़ा किसी काम में फिर नहीं आता। बढ़िया बढ़िया जो पोशाक है वो साल के माँ 1-2 बार पहनी जाती है, वो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है और धन की धूल हो जाती है। तो हर एक माता बहनों भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि जो ये बढ़िया पोशाक दी जाती है जिसको हम लोग तील कहते हैं, वो तील नहीं है, वो तीर है मारने वाला। तो एक प्रकार से बढ़िया पोशाक है वो, उसका उस बढ़िया पोशाक बंद होनी चाहिए। और समझो कि हर एक विवाह शादी के बीच के माँ जब सगाई होती है जिसको बागदान कहते हैं वहां से लेकर के, अरे समझो कि विवाह तक के बीच के माँ कई नेकों के बीच के माँ ये चोला दो, ये कब्जा दो, ये अमुक दो, एक एक गरीब के यहाँ समझो कि आपने इसके 15 कब्जा दो भैया, और कब्जा के ऊपर साथ में फिर रुपया भी दो। आप सोचो कि कितनी दुख की बात है, वो कहाँ से बेचारा कब्जा लाएगा, कहाँ से रुपया लाएगा, उसको खाने के वास्ते रोटी नहीं मिल रही है, अगर उसको दीदी विवाह शादी करनी पड़े तो दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि आज जो गरीब भाई है चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो, कोई भाई कहते हैं कि ब्राह्मण की कन्या का विवाह करने से फायदा है, मैं तो समझता हूँ कि वैश्य और क्षत्रिय की कन्या का विवाह करने से उसे ज्यादा फायदा है। वास्तव के मां कन्या का दान है ना, कन्या का विवाह है, तो ब्राह्मण की हो तो क्या और वैश्य की हो तो क्या और क्षत्रिय की हो तो क्या, किसी भी कन्या का विवाह करो, कन्या का विवाह में तो फायदा ही फायदा है करने वाले को। तो हर एक प्रकार से उसको मदद देनी चाहिए, जो वैश्य और क्षत्रिय ऐसे दान नहीं लेवे तो उसको उधारे के रूप में दे देना चाहिए। अपने मन में समझ लेना चाहिए कि उधारा तो कहने का है, आने जाने कुछ है नहीं, एक प्रकार से थी तो और भी उत्तम बात है। तो ऐसा भाव समझ करके हर एक वैश्य भाई को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को विशेष सहायता करनी चाहिए। और जो वैश्य जाति से भी ज्यादा दुखी है, क्षत्रियों के घर में जाने का काम पड़ जाता है तो रोना आ जाता है के लिए, अन्य पर्दे के लिए बस नहीं, जमींदार से आज एक बार वो क्लीन करके है तो वो भी मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसी जाति की जो विधवा स्त्री है उनकी सेवा के लिए कहता हूँ, शूद्रों की विधवा स्त्रियों के लिए सेवा के लिए नहीं कहता। क्यों नहीं कहता कि क्या शूद्रों के सामने आपका देश है, पर देश नहीं, शूद्र की जो विधवा स्त्री है वो आता कर देती है, उसका पति बना देती है, दूसरे के में चली जाती है, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो स्त्री है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जी जाती नहीं मानी। जाति के जो लोग हैं वे उस प्रथा को काम में लाने लगे। वेणु के राज के बाद जितने शूद्र हुए हैं उसके बाद में यह नाता होना, पुनर्विवाह होना शूद्र जाति के मां समझो कि आपने होने लगा। तो ये एक प्रकार से थी शूद्र जाति में आपने इस विषय के मां विचार करने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 जाति की जो विधवा स्त्री है उनकी क्या दशा हो रही है देखने से आंसुपात होने की। विधवा स्त्रियों का जो विवाह के समय में दिया हुआ जो गहना है ये भी एक प्रकार से उसका छीन लिया जाता है, उसकी सास या ससुर कहीं छीन लेते हैं, कहीं पीर के माँ उसके भाई और भौजाई छीन लेते हैं, या समझा करके फुसला करके उसको ले लेते हैं और हजम कर जाते हैं। सभी नहीं, मैं किसी के यहाँ ये बात कहता हूँ, और जिसके माँ ये आपत्ति है उन्हीं की सेवा के लिए कहता हूँ, सबकी सेवा के लिए भी नहीं कहता कि मात्र विधवा की सेवा करनी चाहिए, ये मेरा कहना नहीं है। उन विधवाओं के माँ जो दुखिया है, उन विधवाओं के बीच के मां जिसका ग्रहण चला गया है, जिसका समझो कि रुपया चला गया है, ऐसे हम लोग हैं जो पुरुष जो कहलाने वाले कि एक प्रकार से उसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घरों की स्त्रियां उस विधवा माताओं को समझो कि ताना मारती है, पीर के मां भी और ससुराल के बीच के मां भी, उनको कहीं भी जगह नहीं है। ऐसी भी जो विधवा स्त्रियां वो रोती है, आंखों में आंसू बहाती है, उसकी दूसरी स्थिति समझो कि आपने
बड़ा भारी हम लोगों को अपराध होता है, उनकी दुष्चित हमारा अनिष्ट हो जाता है। तो हरेक भाई बहनों को यह ख्याल करना चाहिए कि विधवा माताओं को कष्ट कभी नहीं देना चाहिए, उनकी हरेक प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि जो मनुष्य मरने के समय के बीच के माँ अपने स्त्री के लिए अपने जीवन जोखिम आपकी थी वो लिख गया है कि मेरे जीवन जोखिम का रुपया मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री को मिले, वे भी हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, ना देखा है, ना आपको नहीं बतलाता हूँ, एकांत में बता भी सकता हूँ कि उसके घर वाले उसको फुसलाकर उसकी सही कर विधवा स्त्री का भावी जीवन जो है जिस पर निर्भर करता है, वे रुपये जो बुरे नेग के मरने के समय के रुपये, वे रुपये भी लोग रख लेते हैं और समझो कि उसको इस्तीफा देते हैं, जवाब दे देते हैं। तो वो स्त्री धन है, ईश्वर के घरे जो कानून है उसे तो घोर दंड मिलेगा हम लोगों को, किंतु भगवान के घर जो कानून है उसके स्वा गवर्नमेंट के भी यह कानून है कि स्त्री धन को कोई आदमी हजम नहीं कर सकता। पर मैं गवर्नमेंट को भी यह दोष देता हूँ कि गवर्नमेंट के कान तो है आंख नहीं, गवर्नमेंट को आंख से देखना चाहिए कि विधवाओं की क्या दशा हो रही है, और जो दुष्ट उनके धन को हजम कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के उनका धन लेकर के उन विधवाओं को देना चाहिए, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। गवर्नमेंट अपने कर्तव्य से चुत है इस विषय की। अब वो विधवा से बिचारी अपने पीर की और ससुराल की लिहाज रखने के कारण से मुकदमा नहीं करना चाहती, और करे तो उसको मदद भी कौन करे, रुपयों की भी मदद कौन करे और पैर भी कौन करे। इसलिए मैं उनको ये भी नहीं कहता कि भी एक प्रकार से उस विधवा माताओं को कि तुम मुकदमा कर दो, मैं तो उन भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम थोड़ा ख्याल करो, उनका जो हक है उनका जो धन है वो गऊ की समझो गौशाला के रुपये उससे बढ़ करके भी वो एक प्रकार से उनका हक है। ये तीन जो चीज है उसका गहना और उसे उनके मरने के पति के मरने के समय के बीच के माँ जो बुरे नेक के रुपये और उनके नाम के रुपये जो खास उनका धन है और जो पति उसके नाम से कर गया है या दे गया है या बीमा उसके नाम से कर गया है वे रुपये खास उसे आश्चर्य के हैं, वे रुपये तो उनको दे ही देने चाहिए। घर में पांती मत दो, अपने मकान में पांती मत दो, वास्तव में तो घर और मकान और सब में उसका हिस्सा वो देना चाहिए, किंतु तुम्हारे दिल के बीच के माँ गलानी नहीं है तो कम से कम ये तो काम करना ही चाहिए हर एक माता बहनों को भाइयों को। इसके लिए अपना कटिबद्ध होकर के उस विधवा माताओं की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता करनी चाहिए। हर वे नालायक लोग यदि ऐसा नहीं देवे तो ऐसी परिस्थिति में अपनी शक्ति के अनुसार समझो उनकी रुपयों से सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और विधवा माताओं का यह कर्तव्य है कि एक प्रकार से जब तक शरीर में अपना दम है शरीर से परिश्रम करके अपने शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए, किंतु दूसरों से सहायता लेकर अपना निर्वाह नहीं करना। उनका यह कर्तव्य है कि समझो कि जैसे ब्राह्मणी रसोई बना करके 20 रुपया महीना लेकर के अपना जीवन का निर्वाह करती है, ऐसे वैश्य के स्त्री क्षत्रिय के स्त्री उनको भी समझो विधवा स्त्रियों को अपने मजूरी करके सेवा करके रसोई बना करके काष्ठ बांध करके समझो कि अपने शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए, उसमें कोई भी दोष की बात नहीं, क्योंकि वो अपने करड़े पसीने का पैसा है, मजूरी का पैसा है, मिंत का पैसा है, मिंत करने में कोई पाप नहीं है। पाप है तो समझो कि आपने बुरा काम करने में, जारी करने में, चोरी करने में, व्यभिचार करने में, बुरा काम करने में पाप है, और परिश्रम करके अपने शरीर का निर्वाह करने में कोई पाप नहीं। तो इस प्रकार से विधवा माताओं की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और ये दहेज की जो प्रथा है इसको हरेक प्रकार से हटाने की चेष्टा करनी। आज एक समझो कि किसी भी गरीब भाई के तीन या चार लड़कियां हैं, आज आप लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, आप लोगों का जो दान है वो बर्बाद होता है, आप लोगों का दान बहुत उच्च काम में लगे ऐसी बात हम नहीं देखते। आप जो एक प्रकार से कोई स्त्री कहती है कि मैं तुला दान करती हूँ, मैं तो कहता हूँ धिकार तेरे तुला दान को, जब तेरे घर के बीच के वहां एक विधवा स्त्री बैठी है और वो रोटियों के लिए दुख पाती है, तू तुला दान करने को जा रही है कुरुक्षेत्र के बीच के वहां। एक जो समझो कि आपने देखते हैं कि भी घर के बीच में अपने कुटुंब में अपने कबीले में एक उसके अपने कुटुंब की लड़की कुमारी कन्या बैठी है और उसका विवाह नहीं होता है पीसों के बिना, अरे मूर्खा उसके विवाह के माँ जो तुम्हारे को लाभ हो सकता है वो तुला दान के माँ तुम्हारे को वो लाभ नहीं हो सकता, वो जग करने में वो लाभ नहीं हो सकता, वो एक प्रकार से समझो कि ये सोम होती है अमावस्या है, ये समझो कि उजमण है एकादशी को, उजमण है चौथ को, उजमण है, इस उजमणों के बीच के माँ धन लगाने से वो फायदा नहीं होता, वो एक तीर्थों में जाकर के पंडों को रुपया देने में वो फायदा नहीं होता,
कि क्यों फायदा, एक विधवा जो स्त्री है, एक जो कन्या की शादी के बीच के मां जो रुपया लगाने से जो फायदा हो सकता है, वर्तमान समय के बीच के मां बहुत सी लड़कियां समझो कि अपने रजस्वर हो जाती है 14 वर्ष की उम्र की, 16 वर्ष की उम्र की, हम देखते हैं कि अपने 17-18 वर्ष की उम्र की लड़कियां भी हम अपने आंखों से देखते हैं, अरे 3 वर्ष से 4 वर्ष से वो रस वाला हो रही। हमारे शास्त्रों में नियम बनाया कि रस वाला के पहले उसका विवाह कर देना चाहिए, जब रजोदर्शन हो जाता है तो उसके माता पिता को दंड होता है, नरक में जाते हैं, यहां तक शास्त्रों में लिखा। तो अब माँ बाप क्या करे, लड़का नहीं मिले तो क्या करे माँ बाप, तो इसका मैं माँ बाप का दोस्त नहीं मानता हूँ, मैं दोस्त मानता हूँ इस विषय में लड़के वाले का, लड़के वाला जो रुपया ईंट कर जो लेता है उनको बहुत दंड होना चाहिए। आज संसार के बीच के वहां बहुत सी लड़कियां जो आपने समझो जल करके भस्म हो जाती है माता पिता के दुख को देकर के, बहुत से माता पिता दुखी होकर के विष खा करके अपने सब प्राण दे देते हैं, उन सब का पाप किसको लगेगा कि जो दहेज लेने वाला जो पुरुष है उसको लगेगा, दहेज लेने वाले लड़के के माँ बाप को समझो इनका पाप लगेगा, उन्हीं के कारण से अन्याय तो हो रहा है। तो दहेज की प्रथा जो एकदम उठाने के लायक है। दूसरी बात आपको ये बताई जाती है, ये आपको थोड़ा गौर करके ध्यान देना चाहिए कि आज क्या दशा हमारे देश की हो रही। आज एक लड़की बीमार पड़ती है तो उसके इलाज कराने की हम लोग चेष्टा नहीं करते, ये सोचते हैं कि मर जावे तो अच्छी बात है, 15 वर्ष की लड़की है किसी भाने से जान करके तो मार नहीं सकते, अपनी मौत से मर जावे तो बस 5,000 रुपया बच जाए उसके। गरीब आदमी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी तुम लज्जा को राखो और तुम्हें इस लड़की को ऐसा मौत दे दो। आज थोड़े समय के पहले वर्तमान के मां ये बात हमने सुनी कि अपने देशों के बीच के मां राजपूत जो लोग हैं उनके खर्च बढ़ गया था, उसे कि जागीर जो जागीरदार जो थे उनकी जागीरदारों की जागीर जो है वो एक प्रकार से दहेज में चली जा करती थी, तो नतीजा क्या हुआ कि उनके लड़की जब पैदा होती थी तो पैदा होने के साथ उस लड़की को अपने बाली के धुरों में ले जा करके और जीती हुई लड़की को खाना खोद करके गाड़ दिया। ये बात समझो कि अभी राजपूतों के माँ कहीं कहीं दुष्टों के बीच के माँ है, अच्छे राजपूतों में नहीं किंतु दुष्टों के बीच के माँ अभी कहीं कहीं है। तो कितनी घृणित बात है, कितनी दुख की बात है कि जीती हुई लड़की और उसके बाप उसके भाई ले जा करके उसको जीती हुई को गाड़ते हैं। एक कुत्ते को भी जीते हुए जिस प्रकार से गाड़ा नहीं जाता, कुत्ते के बच्चे को भी अपने बच्चों को गाड़ देते हैं, तो कितनी घृणित बात है। इसी प्रकार से समझो कि आगे जाकर के लोग अपनी लड़की को मारने के वास्ते तैयार हो जाओ तो कोई बात नहीं, तो ये बड़ी भारी अत्याचार है। और एक आपको मैं गुप्त बात बताता हूँ कि आज हमारे घर के माँ समझो कि 14 वर्ष की लड़की होगी, 16 वर्ष की लड़की होगी, मैं आपको पूछता हूँ कि यदि उसके गर्भ रह जाए कुसंग के कारण से तो आपके पास क्या उपाय है, यदि उसको आप गर्भ को गिराओ तो आपको भ्रूण हत्या लगेगी, लड़का जलमा करके मारो तो आपको बाल हत्या लगेगी, यदि उसको घर से लड़की को अपने बाहर निकाल दो तो वो अपने बेजाती या मुसलमानी या वैसा हो जाएगी तो आपके कुल के कलंक लगेगा, आपके पितर घोर नरक में जाएंगे, क्या करोगे तीन उपायों के सिवा, या तो बाल हत्या करो या भ्रूण हत्या करो या उसे अपने समझो कि उसको घर के बाहर निकाल दो। इसी वास्ते ऋषि लोग जो है सोच समझ करके उन्होंने ये कानून बनाई कि जब तक समझो कि रस वाला ना उसके पहले उसका विवाह कर दो, रस वाला के पहले उसका विवाह कर दो, ये भी कानून बना दिए शास्त्र के बीच में भगवान ने और ऋषियों ने। मनु जी कहते हैं कि जब ही रस वाला होने लग जावे और 3 साल तक उसके माँ बाप उसका विवाह नहीं करे तो उस कन्या को उचित है कि माँ बाप को छोड़ करके जितने जिसके साथ में ब्याह करे, ये हमारे शास्त्र की आज्ञा। तो आप ख्याल करके देखो ये दशा हो रही एक प्रकार से थी, आपने जो कुंवारी जो लड़कियां हैं और शादी जिनकी हुई नहीं जिनको 2 वर्ष हो गए 3 वर्ष हो गए, और ये ख्याल रखना चाहिए जब तक स्त्री रस वाला नहीं होती है तब तक उसके गर्भ नहीं रह सकता, रस वाला होने के बाद ही ऐसा गर्भ रहता है, इसलिए ऋषियों ने ये कानून बनाई कि एक प्रकार से रस वाला के पूर्व उसका विवाह कर, और समझो कि विवाह छोटी अवस्था में कर दिया और छोटी अवस्था के मैं उसका मुकलावा कर दिया, ये भी ठीक नहीं कि जब तक कन्या रस वाला नहीं होती है और उसके पहला उसका पति उसके साथ में सहवास कर लेता है तो उसका जो समझो कि कच्चा जो एक प्रकार से भीतर का जो साबर जनने की जो बच्चा जनने की जनने का जो जंत्र है वो खराब हो जाता है, उसका पेट दुखता है, उसके बीमारियां होती है, वो बेमौत तो कोई मर भी जाती है और नहीं तो बीमारी तो अवश्य हो जाती है। तो इस वास्ते जब तक लड़की रस वाला नहीं हुए उसको ससुराल में नहीं भेजना चाहिए।
और रस वाला होने के बाद में तुरंत उसका विवाह कर देना चाहिए, उसको घर में आपने नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक है कि समझो कि आपने रस वाला होने के बाद में लग्न भी नहीं देखना चाहिए, मुहूर्त भी नहीं देखना चाहिए, चौथा दिन देख करके, अच्छा दिन देख करके उसकी शादी कर देनी चाहिए। कोई तो कहता है कि एक महीने के भीतर, कोई कहता है दो महीना के, चार महीना के भीतर, किंतु समझो कि अधिक काल के लिए कोई भी ऋषि मुनि नहीं कर रहा। जितनी स्मृतियां हैं आप निकाल करके देख लो, किसी भी स्मृति में आपको यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि साल भर ठहरना चाहिए कि दो साल भर ठहरना। यहाँ तक लड़की के लिए आज्ञा है कि तेरे माँ बाप यदि एक प्रकार से तुम्हारी शादी नहीं करे तो तू स्वतंत्र तेरे जितने जिसके साथ में जा। तो कितनी अपने दुर्दशा हो रही है। तो हर एक भाइयों को, माता बहनों को मन के मन ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम दहेज की प्रथा को उखाड़ देंगे, हम दहेज नहीं लेंगे। एक प्रकार से ये दहेज की जो प्रथा है हमारे लिए बड़ी भारी घात है। तो गवों के विषय में आपको कहा, ये दहेज की प्रथा के विषय में कहा, विधवा माताओं के विषय में कहा। एक घंटा हमारी समाप्त हो गई। जो ये बात है कि भाई तुम स्वतंत्र भी कर चुको तो रात्रि के अवकाश मिलेगा तो कहा जा सकता है, नहीं तो कल कहा जा सकता है। ये दो जो हमारे पास सवाल आए थे, एक तो गवाह के विषय में कहने के लिए भाई का, और एक दहेज की प्रथा है। वो जूता के बारे में तो नाम तो नहीं पता, यही बात कही थी कि जो जिस भाई को ये मंजूर हो वो भगवान की जय बोले, तो जय बोलने में तो सगड़ी भाई बोले, क्या पता इन्होंने त्याग किया हो तो वही जाने। और जो भाई ने जूता का त्याग किया है ऐसे, और वो बहुत से जूता एक प्रकार से चमड़े के पहनते ही नहीं है, और जो पहनते हैं उन्होंने त्याग किया है, उनको जूतों की जरूरत हो गए तो जूता उनको अपने यहाँ मिल सके, कपड़े गोविंद उनका जो जूता है उनको मिल सके है। जो भाई ने देखा भाई अब आज कपड़ा का पहनते थे आज से नहीं पहनेंगे तो उनको जूतों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको जूता है तो मिल सके। हाँ, लुगाए की जुती, भाइयों की जुती मिल सके। और दहेज के विषय के विषय माँ जो है भविष्य के माँ नहीं ले लू, इस विषय के माँ आप लोग जो धारणा करी हो आप लोगों के बात ठीक मालूम दे ही हो, तो मैं ये कहता हूँ कि एक प्रकार से थी एक भविष्य के वास्ते अपने इसके लिए तैयार रहना चाहिए, कठिन से कठिन समझो कि कठिनाई को मुकाबलो कर। नाव तो मैं इसलिए नहीं लिखाया कि एक प्रकार से एक आप लोग मन में ही रखें और तो और अच्छी बात रहेगी, और नाम लिखा करके फिर उसको काम में नहीं लाने से उसकी थोड़ी बदनामी होती है, तो इस बात को हृदय में समझ कर काम में लाओ, अच्छी बात है। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को तुलसीकृत रामायण में यह बात कही, आपकी मर्जी हो तो दिखाया जा सके कि इस विषय के विषय में, इसी दहेज की प्रथा के विषय में, या जूता त्यागने के विषय में, या होटल की चीज नहीं खाने के विषय में, तो बुलाया तो सब अपने अपने लोग, पुरुष भी बैठे हैं, स्त्रियां भी अपने बैठी हैं, अपने सब साथ में आए। नारायण 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 श्रीमन नारायण चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो रात की टेम कौन सी रखनी, 8 बजे से 10 की और उत्पन्न कर दी। बंद तेरा लगता न मोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल।
तपन से मुक्ति पाई सारे जग में बदल दो के सब माधव गोविंद बो की गठड़ी ना सिर तोल केशव माधव गोविंद बोल पाप की गठड़ी ना सिर तोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल ये दुनिया गोरख धंधा ये दुनिया गोरख धंधा मरम समझता कोई कोई बंदा ब्रह्म रूप सारा भूगोल केशव माधव गोविंद बोल ब्रह्म रूप सारा भूगोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल उतर उतार Yeah.
जय सिया राम जय जय सिया राम राम नाम कलि अभिमत दाता हेतु पर लोक लोक पितु माता जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम 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 जय जय सिया राम।